Subscribe our channel and press the bell icon for more update. हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो आज हम आपके लिए कर वीडियो लेकर आए हैं, तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 500 मीटर से अधिक गहराई वाले सिंकिंग शाफ्ट में यदि हाल्फ लॉक टाइप का गाइड रोप इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो इनका न्यूनतम व्यास कितना होगा। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 32 mm, ऑप्शन बी 38 mm, ऑप्शन सी है 29 mm और ऑप्शन डी है 36 mm। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी 38 mm। तो इसमें पूछा गया कि 500 मीटर से अधिक गहराई वाले सिंकिंग शाफ्ट में यदि हाफ लॉक टाइप का गाइड रस्सा यूज़ किया जा रहा है तो इनका जो डायमीटर है वो कितना होगा। तो इसका जो डायमीटर होगा वो होगा 38 mm। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शाफ्ट में बिना घूमने वाला रस्सा टाइप के वाइंडिंग रस्से का इस्तेमाल किया जाएगा यदि उसमें गाइड रोप नहीं लगे हो। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए सिंकिंग शाफ्ट, ऑप्शन बी है 30 मीटर से अधिक गहराई वाले शाफ्ट, ऑप्शन सी है 45 मीटर से अधिक गहराई वाले शाफ्ट और ऑप्शन डी है सभी शाफ्ट में। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि कौन से शाफ्ट में बिना घूमने वाले जो रस्से हैं उस प्रकार के वाइंडिंग रस्से का इस्तेमाल किया जाएगा यदि उसमें गाइड रोप नहीं लगा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाफ्ट के उन सभी लैंडिंग जिससे होकर लोगों का इस पार से उस पार आना जाना होता है में पर्याप्त बाईपास बनाए जाएंगे, इस बाईपास की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 3 मीटर, ऑप्शन बी है 2.4 मीटर, ऑप्शन सी है 1.8 मीटर और ऑप्शन डी है 1.2 मीटर। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि शाफ्ट के उन सभी लैंडिंग जिससे होकर लोगों का इस पार से उस पार आना जाना होता है उसमें जो पर्याप्त बाईपास बनाए जाएंगे इस बाईपास की जो मिनिमम हाइट है वो कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1.8 मीटर, 1.8 मीटर इसकी हाइट होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हॉलेज रास्ते में बनाए गए मेन होल्स की चौड़ाई कितनी होगी। ऑप्शन है ऑप्शन ए 0.75 मीटर से कम, ऑप्शन बी है 1.2 मीटर से 1.8 मीटर, ऑप्शन सी है 0.75 मीटर से 1.2 मीटर, ऑप्शन डी है 0.75 मीटर से 1 मीटर। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी 0.75 मीटर से 1 मीटर तक। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। कन्वेयर की लंबाई कितने से अधिक होने पर दोनों तरफ से संकेत देने की व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बरकरार रखा जाएगा। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 30 मीटर, ऑप्शन बी है 60 मीटर, ऑप्शन सी है 45 मीटर और ऑप्शन डी है 100 मीटर। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 30 मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
क्या किसी अर्थ कंडक्टर भूचालक में कोई स्विच, सर्किट ब्रेकर या फ्यूज लगाया जा सकता है? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए सदैव ऑलवेज, ऑप्शन बी है कभी नहीं, ऑप्शन सी है विशेष परिस्थितियों में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कभी नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है कितने समय अंतराल में मोबाइल क्रेन या ओवरहेड क्रेन का प्रूफ लोड टेस्ट तथा ट्रैक्टिव टेस्ट किया जाएगा? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 6 महीने में, ऑप्शन बी है 3 महीने में, ऑप्शन सी है 1 वर्ष में और ऑप्शन डी है 2 वर्ष में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 वर्ष में। हमारा अगला क्वेश्चन है जीआरपी तथा एफआरपी टाइप का रॉक बोल्ट का इस्तेमाल भूमिगत खान में खाली स्थान के रूप में नहीं किया जा सकता। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए रूफ बोल्ट, ऑप्शन बी है साइड बोल्ट, ऑप्शन सी है तल्ले के स्थायित्व के लिए फ्लोर स्टेबलाइजेशन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए रूफ बोल्ट। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्लूड एक्सपेंडेबल टाइप के रूफ बोल्ट की भारवाही न्यूनतम क्षमता कितनी होनी चाहिए? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्लूड एक्सपेंडेबल टाइप के रूफ बोल्ट की जो कैपेसिटी है वो कितनी होनी चाहिए। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए है 6 टन, ऑप्शन बी है 8 टन और ऑप्शन सी है 15 टन, ऑप्शन डी है 12 टन। तो जो फ्लूड एक्सपेंडेबल टाइप का रूफ बोल्ट की जो क्षमता है वो है 12 टन। हमारा राइट आंसर होगा 12 टन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसी डिप्लेरिंग डिस्ट्रिक्ट के मेन रिटर्न तथा बिना आइसोलेट किए गए गोफ के किनारों में सीओ की प्रतिशत जांच, सीओ की परसेंटेज टेस्ट कितने समय अंतराल पर ऑटोमेटिक गैस डिटेक्टर से की जाएगी? इस क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी डिप्लेरिंग डिस्ट्रिक्ट के मेन रिटर्न और बिना आइसोलेट किए गए गोफ के साइड में सीओ की परसेंटेज टेस्ट कितने टाइम इंटरवल पर ऑटोमेटिक गैस डिटेक्टर से की जाएगी? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रतिदिन, ऑप्शन बी है 7 दिन में और ऑप्शन सी है 14 दिन में, ऑप्शन डी है 30 दिन में। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 7 दिन में की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहे।